Hello everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. So this is the part 3 of the topic Electric Organs in Fishes, and today is the subtopic called Types of Electric Organs in Different Fishes. अलग-अलग फिशेस में हम लोग उनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स किस तरह से हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं टॉर्पेडो का केस यहाँ पर डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो टॉर्पेडो में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जनरली चार तरह से आते हैं, दो तो उसमें से लार्ज रहते हैं और दो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स उसके स्मॉल रहते हैं। तो आप क्या यहाँ पर लिख सकते हो, टॉर्पेडो पजेस टू लार्ज एंड टू स्मॉल इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स हेड। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि टॉर्पेडो का जो भी हेड रहेगा, फॉर एग्जांपल ये टॉर्पेडो, वैसे ऐसी टॉर्पेडो का शेप नहीं होता। आपने देखा होगा फाइंडिंग नीमो में भी कुछ इस तरह का शेप होता है टॉर्पेडो का, और कुछ इस तरह से वो पीछे जाती है। वैसे मैं अभी बताऊंगी डायग्राम पर, मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको। तो जो टॉर्पेडो का हेड होता है उसके दोनों तरफ ये जो इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है वो पाए जाते हैं, जैसे यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स तो आ गए। अब इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से दो तो स्मॉल होते हैं और दो लार्ज होते हैं। तो आप तो बोलोगे यहाँ तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है। तो ये जो बड़े वाले इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं इन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं छोटे वाले इनक्लोज्ड होते हैं या फिर छुपे हुए होते हैं। सो दे स्मॉल वाले के आगे आप लिख सकते हो दे आर इनक्लोज्ड विद इन लार्जर वंस। बड़े वाले इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स के अंदर धसे हुए होते हैं। अब अगर आप इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को देखोगे तो आप स्टेटमेंट यहाँ पे पहले तो लिख लेना, तो स्मॉलर वन लाइंग इनक्लोज्ड विद इन लार्जर वन। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इसके हेड के आसपास पाए जाते हैं टॉर्पेडो के अंदर, टॉर्पेडो एक तरह की फिश होती है, तो अब इसके आसपास जो हेड का सिर का पोर्शन है वहां आसपास जो पाए जा रहे हैं वो जब देखने को हमें बाहर से मिलते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, एक तो ये लार्ज दिखाई देते हैं, फ्लैट दिखाई देते हैं, किडनी शेप मास दिखाई देता है, किडनी शेप मास ऑन इधर साइड ऑफ मिडलाइन, इधर साइड ऑफ मिडलाइन, मिडलाइन के आसपास इस तरह से हमें लुक देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं फ्लैट रहते हैं, लार्ज होते हैं, किडनी शेप के होते हैं और इस तरह से देखने को मिलते हैं। दूसरी बात होती है कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं ये कहीं ना कहीं सप्लाइड होते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू, किससे, थिक नर्व्स। तो आप यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से दिखाई देते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टॉर्पेडो के होते हैं उसमें करीब करीब 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है ना यहाँ पर टॉर्पेडो के, उसमें क्या चीज होती है, 45 नंबर याद रखना है, 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा कॉलम्स और रोज किस तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स और सॉरी वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, जो भी पूरा पता होगा मैट्राइसिस से पढ़ाया था हमने, देखा था। ठीक है, तो वर्टिकल होते हैं कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल होती है रोज, ये आपको पता होगा, या मैट्राइसिस देखना तो उसमें आपको और थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स पता पड़ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे, ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम्स पाए जाते हैं टॉर्पेडो फिशेस के अंदर। दूसरी चीज इनमें क्या होती है, हर कॉलम के अंदर अबाउट 400 इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं। तो आप लिख सकते हो देन ईच कॉलम, या फिर आप लिख सकते हो इसके आगे ईच हैविंग, ऐसे करके बनाना, ईच हैविंग अबाउट, मैं अबाउट का ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूं, 400 इलेक्ट्रोसाइट्स। हर 45 वर्टिकल कॉलम के अंदर, हर कॉलम के अंदर कितने इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, 400 इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं। सारे नंबर्स याद रखने हमें, इलेक्ट्रोसाइट्स का अच्छा दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेट्स होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं या इलेक्ट्रोप्लेट्स होते हैं, अंदर की साइड से आप इनको देखोगे तो वो इनरवेटेड साइड रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं उस पर वेन्स और जो सारी ब्लड कैपिलरीज ये सारी चीजें जो होंगी वो देखने को मिलेगी। और उसका कोई पूछ ले कि चार्ज क्या होता है, तो अंदर से वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होती है और बाहर से अगर आप देखोगे उसका नेगेटिव का अपोजिट ही वहां पर होगा। अब जब सारे अंदर वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रोसाइट्स का वो नेगेटिव होता है, तो जब वो सारे मिलकर फंक्शन करते हैं तो एक पैरेलल वे में ही फंक्शन करते हैं, सारे नेगेटिव एक साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रोसाइट है, इलेक्ट्रोसाइट का ये बाहर वाला पोर्शन है, बाहर वाले पोर्शन का भी मैं चार्ज के ऊपर कंसर्न इतनी नहीं हूं, इस चीज को भूल जाइए आप। अंदर से अगर कोई पूछ ले कि अंदर की साइड जो है वो कैसी होती है, तो अंदर का जो इनर साइड होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव तो देखना ही होगा हमें। एक छोटी बात और, ये वाली बातें आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ये अट्रैक्ट करेगा कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा। तो आपको बस इतना याद रखना, नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ये वाले जो दो केसेस हैं वो रिपेल करते हैं। ये तो आपको पता होगा, इतनी फिजिक्स तो सभी ने पढ़ी होती है।
ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। तो अभी वापस बैक टू द टॉपिक आते हुए बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं ऑफ टॉर्पेडो इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम्स ईच हैविंग अबाउट 400 इलेक्ट्रोसाइट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना द इनर वेटेड साइड यानी अंदर वाला जो साइट है, इनर वेटेड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोसाइट्स या इलेक्ट्रोप्लेट्स इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव टू द अदर एंड ऑल फंक्शन टूगेदर इन पैरेलल। अब जो करंट रहता है वो किस तरह से रन करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो इनके अंदर करंट जब रन करेगा तो डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ रन करेगा, डायरेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, यहां पर तो मेन पॉइंट क्या था कि नेगेटिव चार्ज कहां पर होता है, इनर वेटेड साइड में, जहां पर भी पूरा इनर्वेशन देखने को मिलेगा वही वाली साइड जो होगी वो उसकी नेगेटिव होती है। ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हमने बात करी कि जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन से कहां तक जाएगा, तो डॉर्सल साइड यानी पीछे वाले पोर्शन से कहीं ना कहीं नीचे वाले, ऊपर वाले पोर्शन से कहीं ना कहीं नीचे वाले पोर्शन तक आएगा। और डॉर्सल लेंटल आपको पता है कैसा होता है, फाइन। तो ये बात तो यहां क्लियर हुई। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो जब वो डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड की तरफ रन करता है, यानी कि जब करंट ऐसे रन करता है तो ये जो साइड रहती है उससे वो किस तरफ जा रहा है, वो नेगेटिव साइड से जा रहा है, द साइड टू नेगेटिव साइड। एक साइड से वो किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाले साइड जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी को हम पॉजिटिव साइड कह रहे हैं और इसी को हम नेगेटिव साइड कह रहे हैं। ये बात भी यहां क्लियर हो गई, यानी करंट किस तरफ से, पॉजिटिव तरफ से जाता है नेगेटिव की तरफ। हर तरह से पॉइंट्स याद रखना है, 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम्स, फिर उसके अंदर 400 इलेक्ट्रोसाइट्स, हर इलेक्ट्रोसाइट का जो इनर वेटेड साइड होता है वो नेगेटिव होता है, फिर उसके बाद करंट जब रन करता है तो डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ जाता है यानी कि पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ जाता है। दूसरी बात, यहां जब डिस्चार्ज होता है यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब इन फिशेज में देखने को मिलता है तो वो कितने वोल्ट्स का होता है, तो जो डिस्चार्ज होता है उसके वोल्ट्स आपको याद रखने हैं। टॉर्पेडो की बात कर रही हूँ अभी सारी में। हाँ, एक चीज और करना जरूरी है कि आपकी मार्किंग्स प्रॉपर में लेते हुए चलो, ठीक है, ये टॉर्पेडो की बात चल रही है। तो इसका डिस्चार्ज जो रहता है वो 30 to 50 वोल्ट्स का होता है, 30 से लेकर 50 वोल्ट्स का होता है और कभी कभी 1000 वॉट्स तक भी जा सकता है। अप्रोच कैन अप टू 1000 वॉट्स। ठीक है, टॉर्पेडो जो ओसी या फिर एक नाम आपने सुना होगा ओसी डेंटेल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उस फिश के अंदर इतना चले जाता है 1000 वॉट्स। टॉर्पेडो ओसी डेंटेल्स, ठीक है, ऐसा कुछ नाम होता है, वैसे से मैं एक और चेक करूंगी इसको। ठीक है, ओसी डेंटेल्स जो रहती है टॉर्पेडो की एक स्पीशीज, उसके अंदर 1000 वॉट्स डिस्चार्ज देखने को मिलता है। लास्टली थोड़ा सा डायग्राम आपको पता होना चाहिए टॉर्पेडो का डायग्राम किस तरह से होता है। तो कुछ उसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को बनाओगे ना आप तो कुछ इस तरह से बनाना, मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं बनाऊंगी क्योंकि एग्जाम्स में सभी को रफ ही बनाना होता है, तो जितना समझ आ जाए हमें ऐसे काम करना हमें ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद आप कुछ इस तरह से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करिएगा, मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे ना तो आपको याद भी होगा कि कैसे इनको ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं पहले से तो अच्छे से ड्रॉ कर सकती हूँ लेकिन फिर एग्जाम्स में आपसे नहीं बनेगी वो चीज़ अच्छे से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा किडनी जैसा शेप दिख रहा है, मैंने अभी शुरू में बताया था किडनी जैसे दिखाई देते हैं, तो ये थोड़ा किडनी जैसा शेप जो मैंने लिया ना यही ओरिजिनली उसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है। इसके अंदर कुछ मत करना, छोटे छोटे सर्कल्स बना देना, ये सर्कल्स बना दिए आपने, इधर 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 भी सर्कल्स बना देना, दोनों तरफ एक जैसे बनाना। किडनी जैसा शेप लिया, थोड़ा पहले हार्ट जैसा मेन शेप लिया, उसमें एक ऐसे ऐसे सर्कल्स लिए, यहाँ किडनी जैसा लिया, ये बन गया इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ज़्यादा डिफिकल्ट डायग्राम मैं बना ही नहीं रही हूँ ताकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये पूरा तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद एक लाइन को यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए ऐसे जाना, क्योंकि अभी टॉर्पेडो जैसा शेप भी तो दिखाना चाहिए, ये तो हेड जैसा शेप हो गया। इस तरह से यूँ जाएंगे और फिर उसको यहाँ से इसका फिन बनाकर नीचे ले जाना है, यहाँ पर से एक और आप थोड़ा सा ऐसे बना दो, फिर उसके बाद ये इस तरह से शेप आ जाएगा उसका, ये बन गया शेप, ये टॉर्पेडो दिखाई देने लग गई। अब थोड़ा सा इसको यूं कर सकते हैं हम लोग तो और ज़्यादा ओरिजिनल टाइप का शेप आ जाएगा। इस तरह से ये बना दिया हमने, थोड़ा लुक दे रहे हैं हम उसको, थोड़ा डॉट्स बना दे रहे हैं तो इससे और डायग्राम अच्छा बन जाएगा। फाइनली हम लोग लास्ट में यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी नर्व्स का रहता है कि नर्व्स की नेम्स हमें बताना चाहिए, तो एक ऐसे नर्व बना देना, उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे से ऐसे एप्पल लाइक स्ट्रक्चर्स बना देना एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए, और थर्ड भी बना ही देना आप, फिर उसके बाद एक नीचे जाता हुआ हिस्सा और यहाँ इसको जोड़ते हुए बना देंगे। इस तरह से हमारा पूरा डायग्राम कहीं ना कहीं बन जाएगा।
तो ये टॉर्पेडो फिश हमने बना ली। टॉर्पेडो फिश के अंदर थोड़ी नर्व्स की जरूरी चीजें रहती है पढ़ने की, तो एक नर्व का नाम मैं यहाँ पर वेगस रख देती हूँ, एक का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं ऊपर वाली का इलेक्ट्रिक नर्व। लेबलिंग के अंदर बस फोकस करें इलेक्ट्रिक नर्व, उसके बाद आप ऊपर यहाँ पर इस वाली को कह सकते हो ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। ये फाइन हो गया, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक ऑर्गन हो गया जिसके फिन्स हो गए। इस तरह से लोकेशन हमने देख ली इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की टॉर्पेडो में, तो उसके हेड में होती है। ये हो गया यहाँ डायग्राम। कहीं ना कहीं आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ तो बनाना है, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। सो टॉर्पेडो इज अ मराइन फिश पजेसिंग ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। द फिश हैज टू लार्ज एंड टू स्मॉल साइज ऑर्गन्स ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। द मेन ऑर्गन इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज किडनी शेप्ड मास ऑन ईदर साइड एंड इज सप्लाइड विद थिक ब्रांचेस ऑफ द 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, जिसके नेम्स बेसिकली आपको पता होंगे, 7th, 8th और 10th, सॉरी 7th, 8th, एक सेकेंड मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है चलिए मैं यहाँ नोट ही करती हूँ इसको। एक तो मुझे ज्यादा कहते हैं 7th होता है, दूसरा होना चाहिए 9th और एक होती है 10th, ये लिखिएगा आप 7th, 9th एंड 10th। फाइनली 7th, 9th और 10th जो क्रेनियल नर्व्स होती है वो टॉर्पेडो में देखने को मिलती है। सो आप स्टेटमेंट लिखिएगा, हम लोग देखेंगे द फिश हैज टू लार्ज एंड टू स्मॉल साइज ऑर्गन्स ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी या हेड। द मेन ऑर्गन इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज किडनी शेप्ड मास ऑन ईदर साइड एंड इज सप्लाइड विद थिक ब्रांचेस ऑफ द 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व्स originating from the special lobe of the brain. Each organ is composed of about 45 vertical hexagonal columns, each having 400 electrocytes. The smaller organ lies within the larger one. The innervated side of the electrocyte is electrically negative to the other side and all work together in parallel. These fish are capable of paralyzing a fast swimming प्रे, एक तेजी से चलने वाला प्रे या उसका शिकार उसको दिख जाएगा तो उसको भी पैरालाइज कर सकती है। मूविंग देम बाय द इलेक्ट्रिक करंट बिफोर कैप्चरिंग देम एंड द करंट पासेस फ्रॉम द डोर्सल साइड टू द वेंट्रल साइड। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ईओडी जिसको हम कहते हैं वेराइज फ्रॉम 30 to 60 volts या 30 to 50, जो भी आपको लिखना है 50, 60 ये की बात होती है। अगर एग्जाम में कुछ इस तरह से भी ऑप्शन देखे तो टिक कर सकते हो इन टॉर्पेडो। और नार्सिन के अंदर एक्स्ट्रा है बता दूं आपको, अगर नार्सिन जो रहती है टॉर्पेडो के अंदर अगर उनका हम वोल्ट देखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर बता रही हूँ नार्सिन का, नार्सिन्स स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, NARCINES नार्सिन्स, तो उनमें हो जाता है 220 volt। एट पीक द EOD में भी अप टू 1000 watts, दैट इज 1 kilowatt। कभी कभी ये 1 kilowatt तक भी जा सकता है, 1 kilowatt बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बात हो जाती है यहाँ पर टॉर्पेडो की ऑलमोस्ट कंप्लीट। दूसरी फिश आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। और अगर ह्यूमन की बात मैं कर लेती हूँ यहाँ पर एक चीज़ और, कि अगर ह्यूमन को टॉर्पेडो या फिर किसी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर मिल जाए वो भी 440 वोल्ट तक का, सो इट वुड किल अ ह्यूमन, ठीक है, वोल्ट्स का 440 वोल्ट्स कैन किल अ ह्यूमन, ठीक है। सो इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस का कॉमन नेम आपको पहले से पता होगा, इलेक्ट्रिक ईल होता है जिसको हम नॉर्मली और भी कॉमनली ईल ही कहते हैं। ईल के बारे में आपने सुना होगा, जू वगैरह में भी रहता है ईल, तो स्नेक लाइक रहती है दिखने में, स्नेक लाइक दिखाई देती है, आपने देखा होगा सांप जैसी दिखती है ये वाली फिश। और 2 meter लॉन्ग बॉडी होती है इसकी, 2 meter लॉन्ग होती है इसकी बॉडी। उसके बाद इसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाया जाता है जो कि इसकी बॉडी के दोनों तरफ होता है, जिसमें से अगेन एक वाला जो पेयर रहता है वो लार्जर होता है और जो दूसरा पेयर होता है वो स्मॉलर होता है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, एक पेयर पाया जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन का, 1 pair ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। फिर उसमें से एक वाला जो कैसा हो जाएगा, एक पेयर है तो उसमें से दो चीज़ आ जाएंगी, एक एक, तो एक तो उसमें से बड़ा होता है लार्ज होता है और दूसरा चीज यहाँ पर स्मॉल होती है। यहाँ 4 नहीं हो रहे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 की बात करें, वहाँ टोटली 4 थे, वहाँ 2 pair थे, यहाँ पर 1 pair है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है, जो स्मॉलर ऑर्गन होता है वो वेंट्रल साइड पर होता है और उसको हंटर्स ऑर्गन कहते हैं। इसमें से ये जो छोटा वाला होता है वो कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल साइड पर पाया जाता है, वेंट्रल साइड पर, और इसको क्या नाम देते हैं, हंटर्स ऑर्गन नाम देते हैं, हंटर्स ऑर्गन, ठीक है, HUNTER apostrophe S ऑर्गन, हंटर्स ऑर्गन नाम देते हैं। सो द स्मॉलर ऑर्गन ऑन द वेंट्रल साइड इज कॉल्ड द हंटर्स ऑर्गन। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑक्यूपाई अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आर मेड अप ऑफ अबाउट 70 compartments, ठीक है। याद क्या रखोगे आप यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं हम सारी,
इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, तो ये जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं कितने कंपार्टमेंट्स बने होते हैं? सो 70 कंपार्टमेंट्स के बने होते हैं, और सभी में एक सीरीज पाई जाती है जिसमें करीब करीब 6000 इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं. तो सभी के अंदर 70 कंपार्टमेंट में सीरीज ऑफ अबाउट 6000 इलेक्ट्रोसाइट्स पाए जाते हैं. 70 कंपार्टमेंट्स, उसमें से 6000 इलेक्ट्रोसाइट्स. अब जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं इन फिशेज में, यानी कि ईल्स के अंदर, वो पूरी उनकी लेंथ में फैले हुए होते हैं, यानी कि उनके हेड से लेकर जाएंगे तो पूरी बॉडी तक जाएंगे. नर्व से अच्छे खासे सप्लाइड रहते हैं. और कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड. सॉरी, नर्व कहाँ से अराइज होती है? स्पाइनल कॉर्ड से. फॉर एग्जाम्पल, ये ईल का डायग्राम है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ईल है. वैसे मैंने इसको और स्नेक लाइक जैसा बनाना चाहिए था, इस तरह से कहीं ना कहीं ईल दिखाई देती है. मैं और अच्छा बनाऊंगी, वैसे भी इसको समझाने के लिए कर रहे हैं. तो इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन इसकी पूरी बॉडी में फैले होते हैं, और उनको नर्व सप्लाई कहाँ से मिलता है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड बीच में चल रही है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड रहती है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से इनको नर्वस सप्लाई देती रहती है लगातार, हर जगह से नर्वस सप्लाई, नीचे ऊपर जहां पर भी पहुंच रहा है. वो कहाँ से आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है. सो द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑक्यूपाई अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड आर मेड अप ऑफ अबाउट 70 कंपार्टमेंट, सॉरी, ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ अबाउट 6000 इलेक्ट्रोसाइट्स. और जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स रहते हैं इन फिशेज में एक्सटेंड अलोंग द होल लेंथ ऑफ द बॉडी बिहाइंड द हेड एंड आर सप्लाइड बाय नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ये जो फिशेज रहती हैं, यानी कि ईल जो रहती है, वो कैपेबल होती है कि वो अपना डिस्चार्ज बहुत स्ट्रांग करंट के साथ करे. यानी जब भी इनकी बॉडी में से ये करंट को डिस्चार्ज करती हैं, तो बहुत स्ट्रांग करंट इनकी बॉडी से निकलता है. जब भी कहा जाता है कि ईल्स अगर कोई मछुआरा पकड़ के लाया, फिशरमैन पकड़ के लाया, तो उसे दूर रहना बेहतर होता है, क्योंकि वो कभी कभी टब्स वगैरह में रखते हैं उसको जिंदा कंडीशन में. आपने पढ़ा भी होगा जूलॉजी में इसको, तो उनका करंट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं, और वो जो करंट रहता है वो 500 वोल्ट्स का रहता है लैंड के ऊपर. अगर इसको लैंड पर आप निकाल के आओगे, तो जो करंट इसकी बॉडी से डिस्चार्ज होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा, 500 वोल्ट्स का होगा. मैंने जैसे कि क्या बताया, ह्यूमन को अगर किल करना है तो 440 वोल्ट से उसकी डेथ हो सकती है. तो 500 वोल्ट्स तो लैंड पर ही रिलीज कर रही, तो वो भी बहुत ज्यादा है. और वाटर के अंदर जो इसकी इंटेंसिटी रहती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है. लैंड पे ज्यादा करंट सप्लाई करती है, पानी में इसकी करंट की थोड़ी इंटेंसिटी कम रहती है. सो वाटर में करंट की इंटेंसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, और पानी में कितनी होती है? 250 वोल्ट्स. फाइन, ये दोनों याद रखना, पानी में इंटेंसिटी कम हो जाती है. आप बोलोगे पानी में तो और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. पानी में इसके करंट का जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की इंटेंसिटी होती है, ईओडी की इंटेंसिटी होती है, वो 250 वोल्ट्स होती है. लैंड पर 500 वोल्ट्स होती है. अब पोलैरिटी जो होती है इसके करंट की, वो हेड से लेकर टेल तक होती है. सो करंट जब पास होगा तो कैसे जाएगा? हेड से टेल की तरफ जाता है. ठीक है, पोलैरिटी ऑफ करंट क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, सब याद रखना. हेड से टेल इसकी पोलैरिटी होती है करंट की. सीवियर शॉक मैन को लग सकता है, जो भी मछुआरे इसको पकड़ते हैं बहुत बार उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको ये इसका जो शॉक है वो मिल जाता है, क्योंकि फिर भी वो पकड़ना छोड़ते नहीं, तो दे गेट अ सीवियर शॉक. ठीक है, और जो पीक रहता है, जो इसका मतलब कहना चाहिए सबसे ज्यादा अगर खतरनाक जब जाता है इसका पावर, तो वो 100 वॉट्स के भी ऊपर चले जाता है. सो इट्स पावर कैन एक्सीड अप टू 100 वॉट्स, 100 वॉट के भी ऊपर जा सकता है ये, इसका पावर एक्सीड जब कर जाएगा, इतना भी हो सकता है इसके अंदर. इस तरह का शेप होता है इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का, इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस में. डॉर्सल फिन, मायोटोम, वर्टिब्रा बीच में है, हंटर्स ऑर्गन यहाँ पर छोटा वाला, और बड़े वाले मेन इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स यहाँ पर है. इस तरह से इसका सेक्शन है ये. तो और ईल का प्रॉपरली डायग्राम जो होना चाहिए कुछ इस तरह से होता है. तो देखिए पूरी बॉडी में फैला हुआ है इसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन इस तरह से. और आपको अगर डायग्राम याद रखना है तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. ये इसका पूरा शेप है, थोड़ा सा स्नेक जैसा है, और नीचे वाला जो इसका हिस्सा है, सॉरी ऊपर वाले जो मैंने बॉक्सेस बनाए ये वाले, जिनको मैं थोड़ा शेड भी डाल देती हूँ उनमें, तो ये तो इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं. उसके बाद ये जो नीचे वाला फिन जैसा स्ट्रक्चर है वो इसका वेंट्रल फिन होता है. उसके बाद यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा होती है कि ये यहाँ एंड वाले जो पोर्शन रहता है, यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स होते हैं. ये ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन ऑफ सैक
कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। डायग्राम तो मैं थंबनेल में भी अपलोड कर ही दूंगी, वहां से भी थंबनेल पे से भी देखकर आप बना सकते हो, और मैंने आपको शो भी कर ही दिया है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस के बारे में जो पूरा केस होना था वो भी कंप्लीट हो जाता ऑलमोस्ट। सो द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन दिस ईल आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी, वन ऑफ विच इज मच लार्जर देन द अदर। दीस ऑर्गन्स ऑक्यूपाई नियरली हाफ द मास ऑफ द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70 चेम्बर्स, ईच कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ अबाउट 6000 इलेक्ट्रोसाइट्स और इलेक्ट्रोप्लेट्स। उसके बाद आपको याद रखना है कि द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एक्सटेंड अलोंग द इंटायर लेंथ एंड द नर्व सप्लाइंग देम अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ईल में डिस्चार्ज अ करंट ऑफ अबाउट 250 वोल्ट्स इन वाटर एंड मे इंक्रीज अप टू 500 वोल्ट्स ऑन द लैंड। द मैक्सिमम पावर मे एक्सीड 100 वॉट एंड इट इज सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग टू गिव अ सिवियर शॉक टू अ मैन। द पोलैरिटी ऑफ द ऑर्गन इज फ्रॉम हेड टू द टेल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास फिशेज आना चाहिए, वो थर्ड जो फिशेज होना चाहिए वो रहती है अमेरिकन कैट फिश, जिसका जो साइंटिफिक नेम रहता है वो रहता है मेलेप्टेरस इलेक्ट्रिकस। सो अभी हमारा 20 मिनट्स का वीडियो तो ऑलमोस्ट हो गया, 21 मिनट्स हो गए ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से आज आपके लिए इतना अच्छे से ग्रास्प करना ज्यादा जरूरी है, या फिर मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। वैसे अमेरिकन कैटफिश यानी मेलेप्टेरस इलेक्ट्रिकस ज्यादा बड़ा नहीं, तो एक चीज हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, तीन फिशेस को तो कम से कम डिस्कस इस वीडियो सेगमेंट में कर ही लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज और थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, देन हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स मेलेप्टेरस इलेक्ट्रिकस में होते हैं यानी इस फिश में होते हैं, वो बहुत ज्यादा पिक्यूलर होते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं। ये उसकी स्किन के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जो कि थिक ट्रांसपेरेंट कवरिंग ओवर दी बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये फिश है, ठीक है, तो ये फिश की जो बॉडी है ना, तो इसके ऊपर एक थिक कवरिंग रहती है, एक कवरिंग इसकी पूरी बॉडी पर एक कवरिंग लगी होती है, और वो जो कवरिंग रहती है वो मोटी भी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। थिक कवरिंग है और कैसी है, सेमी। अच्छा, ये वाले ईल के डायग्राम में हमको नहीं मिलना है जाकर, ठीक है, वो अलग डायग्राम है। सेमी ट्रांसपेरेंट थिकनिंग या फिर कवरिंग इसकी बॉडी के ऊपर पाई जाती है मेलेप्टेरस फिश के ऊपर, और इसके अंदर इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं। सो द इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ दिस फिश इज पिक्यूलियर एंड इट इज सिचुएटेड इन द स्किन फॉर्मिंग अ थिक सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ओवर द बॉडी। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसकी स्किन के, वो फंक्शन करते हैं एक सेप्टम की तरह, यानी एक पर्दे की तरह। अब क्वेश्चन ये उठता है, फिर इतनी सारी कवरिंग के अंदर सारे इलेक्ट्रिक ऑर्गन तो एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो उनको सेपरेट करने के लिए कौन होते हैं, यहाँ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बीच बीच में पर्दे जैसा या दीवार जैसा जो बना दिया है ना हर इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग रखने के लिए, तो ये जो सेप्टम है, सेप्टम या सेप्टा, वो किसकी मदद से बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, और वो भी कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से आ गए, स्किन के ही कनेक्टिव टिश्यू से ये सेप्टम बनते हैं। तो उससे होता क्या है, दीज सेप्टम विच इज मेड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द स्किन डिवाइड द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इनटू सेवरल चैम्बर्स। अब देखिए छोटे छोटे बहुत सारे चैम्बर्स बन गए, तो उससे हुआ क्या, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स को हमने डिवाइड कर दिया सेवरल चैम्बर्स में, और हर चैम्बर्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स होता है, यानी कि एक चैम्बर में भी आप देखोगे तो बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रोसाइट्स होंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इसको, तो लिखने के लिए पॉइंट क्या बनाएंगे हम लोग, सेप्टम इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इनटू चैम्बर्स। सेप्टम इज मेड अप फ्रॉम या सेप्टा इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्किन, स्किन की कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। हर चैम्बर के अंदर ईच चैम्बर हैज या फिर हैज ही लिख चाहिए, चलिए चैम्बर्स लिखना चाहिए था वैसे मुझे, हैज मैनी इलेक्ट्रोसाइट्स। हर चैम्बर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं, जिसके जो नर्वस एंड्स होते हैं वो उनकी टेल की तरफ होते हैं। ठीक है, तो सभी के नर्वस एंड किस तरफ जाएंगे, टेल की तरफ जाते हुए दिखेंगे। जैसे इसका नर्वस एंड है तो वो यहां जा रहा है, इसका नर्वस एंड टेल की तरफ जा रहा है। सो आप क्या लिखोगे, ईच चैम्बर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स हुज नर्वस एंड्स आर टुवर्ड्स द टेल। ईच चैम्बर हैज मेनी इलेक्ट्रोसाइट्स हुज नर्वस एंड इज टुवर्ड्स, राइटिंग पे नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है हमें, हम लोग को समझना ज्यादा जरूरी है, टेल की तरफ होते हैं। इनर्वेशन इज ऑल्सो रिमार्केबल एज ऑल द इलेक्ट्रोसाइट्स इन ईच हाफ ऑफ द ऑर्गन आर कनेक्टेड टू द
प्रोसेसेस बाय सिंगल नर्व सेल इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पर जो इनर्वेशन होता है फिशेज के अंदर, यानी कि वेन्स वगैरह जहाँ आती है, नर्व जहाँ पर आती है जिस एरिया में, वो बहुत ज्यादा अच्छे से देखने को मिलता है. यानी कि जो इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हाफ ऑफ द ऑर्गन जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रोसाइट से, और जो प्रोसेसेस होती है सिंगल नर्व सेल के उससे अच्छे से जुड़े हुए होते हैं. बिल्कुल बढ़िया नर्व्स के साथ इलेक्ट्रोसाइट्स का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, और वो भी कहां पर? ग्रे मैटर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, कहां पर? ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहां पर देखने को मिलता है. अब जो पोलैरिटी होती है इस फिश की, वो टेल टू हेड होती है. पोलैरिटी भी पता होना चाहिए किधर से किधर जाएगा करंट यहां पर. सो टेल से जाएगा हेड की तरफ, ये याद रखना. पोलैरिटी टेल टू हेड है. इस फिश का जो डिस्चार्ज होता है करंट का, वो 350 से 450 वोल्ट्स का होता है. ये इसकी डिस्चार्ज की वैल्यू हो गई, ये याद रखना है आपको यहाँ पर सभी. एक चीज और, मेलिप्टेरस जो रहती है, एक तरह की कैटफिश होती है, ठीक है. सो दिस इज अ कैटफिश, सिलुरिडी के अंदर ये आती है. SILURIDAE सिलुरिडी, फाउंड इन द रिवर्स ऑफ अफ्रीका अमेरिका. सॉरी, द इलेक्ट्रोसाइट्स इज वेरी पिक्युलर इन मेलिप्टेरस. In that all of electrocyte of one side are connected to the processes of a single nerve cell in the grey matter of the spinal cord. The polarity is from tail to head and the fish is capable of generating a strong current of 450 volts. यहाँ पर इसका डायग्राम बहुत जरूरी है, वो देख लीजिए, देन ये कम्प्लीट हो गई है. पहला डायग्राम तो ये है मेलिप्टेरस का, और डिटेल में दिखा रही हूँ आपको, नीचे वाला सेक्शन भी दिखाऊंगी. पहले आप ऊपर वाला डायग्राम देख लो इसके इलेक्ट्रिक ऑर्गन का. दूसरा डायग्राम ये है आपके पास मेलिप्टेरस का देखने के लिए. यही जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स है उसको हमने यहाँ पर सेक्शन के फॉर्म देखा है. TS है ये उसका, उसकी न्यूरल स्पाइन्स, उसका मायोटोम, उसकी स्किन, फिर उसके पास इसका हीमल स्पाइन वाला पोर्शन, यहाँ पर उसका सेंट्रम वाला पोर्शन, ये सभी चीज़ें यहाँ पर शोन है. मेलिप्टेरस का कंप्लीट हो गया. सो आई थिंक वी शुड स्टॉप द वीडियो नाउ, एंड दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैप्पी लर्निंग.